नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरू करते हैं आज खबरों की खबर में बात आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। टेस्ट क्रिकेट का महाकुंभ अब खत्म होने की कगार पर है। दो साल पहले शुरू हुई ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुँच चुकी है। बुधवार 7 जून को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 106 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 44 और इंडिया ने 32 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं 29 मैच ड्रॉ हुए हैं और एक टाई रहा है। कुछ स्पॉन्सर्स के कारण की वजह से इस साल भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर नहीं खेला जा रहा है। इससे पहले इस टूर्नामेंट के पहले संस्करण का फाइनल भी लॉर्ड्स में नहीं खेला गया था। इस पिच को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि बल्लेबाजों के लिए हालात आसान नहीं होंगे, जबकि गेंदबाजों को पिच से मदद मिलेगी। बारिश को ध्यान में रखते हुए इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 ड्यूक गेंद से खेला जाएगा। न्यूट्रल मैदान की तरह ये गेंद भी दोनों टीमों के लिए न्यूट्रल होगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच ड्रॉ या टाई पर समाप्त होता है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जाएगा। इस बार खिताब जीतने वाली टीम को लगभग 13.22 करोड़ रुपए मिलेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच भारत के समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, फैंस डीडी स्पोर्ट्स पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल देख सकेंगे। डीडी स्पोर्ट्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर इस चीज की जानकारी दी है। तो ये थी आज की खबरों की खबर। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।